लगता है कमाली आज तुम झगड़े के मूड में हो। भाई मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, आप लोग यहाँ से चले क्यों नहीं चाहते? कमाली मेरे दोस्त, मैं इस वक्त बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना और आपको वहां से सिर्फ धोखा मिले तो बहुत तकलीफ होती है। ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। लेकिन गलती भी तो फिर हमारी होती है ना, हम क्यों ऐसे लोगों को दिल दे बैठते हैं जिनको हमारी फीलिंग से कोई कदर नहीं होती, है ना? पर ये तुम बोल रही हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ आजकल मेरी बात का किसी को कोई यकीन नहीं है। रहने दो तुम कमाली, तुम एक काम करो, तुम आरजू जी को कॉल मिलाओ और उनसे कहो कि तुम उनका दिल कभी नहीं दुखाओगे और उनकी हर बात सुनोगे। बाबर भाई मैं उनको कैसे कॉल करूं, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा एक काम करो, मेरे फोन से उनके कॉल मिलाओ। ये लो। हाँ अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारी रिंग थी वो। हाँ अम्मी बुला रही है, जरा मैं तुमसे बात करूँ बाद में। अम्मी बुला रही है, ओके बाय। हेलो 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 आरजू जी, आरजू जी प्लीज प्लीज फोन ना रखिएगा, प्लीज कॉल नहीं काटनी, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, प्लीज। ओ शट अप भाई, क्यों कर रहे हो मुझे बार बार डिस्टर्ब? तुम नहीं करनी मुझे खाली खुली मोहब्बत, और वैसे भी तुम जैसे दावेदार तो मेरे घर के आगे पीछे सुबह शाम घूमते, लिफ्ट तक नहीं कराती मैं उनको। आरजू जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, हर तमन्ना पूरी करूंगा। अच्छा सोने का सेट और चूड़ियां दिलवाओ। नहीं ना, तुम जैसे कंगले से मुझे दोस्ती नहीं करनी, ठीक है? तो डिस्टर्ब करना छोड़ दो मुझे। आरजू जी मोहब्बत धन दौलत देखकर थोड़ी की जाती है, ये तो दिलों का सौदा होता है। अरे ये सारी पुरानी बातें हैं, आजकल की मोहब्बत धन पैसा देखकर ही होती है, पागल आदमी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी कमाली ने आपको बस यही कहने के लिए कॉल की थी कि उसके वालिद साहब ने बड़ा वाला बंगला उनके नाम कर दिया है और बैंक बैलेंस उसके अलावा है। क्या मतलब, आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं उसके फादर का वकील बात कर रहा हूँ और कमाली साहब इस टाइम मेरे ऑफिस में ही बैठे हैं। आप जरा मेरी कमाली से बात तो करें, मैं जरा उनको मुबारकबाद दे दूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ सच में। जी जी मोहतरमा मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ, ये बात करें। पागल ये क्या किया तुमने, वो तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने उसे मना लिया था। परी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। I'm sorry कमाली, प्लीज खफा मत होना, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही और गलत की पहचान करवाना चाह रही थी और कुछ नहीं, बस मैं चाह रही थी तुम्हें पता चल जाए कि आरजू बहुत लालची है। जानता हूं मैं, जानता हूं, और ये बात मैं गुस्से में नहीं कह रहा तुम्हें। I know it. इस मेरे दोस्त अब मोहब्बत मत करना, हम जैसे सच्चे खरे बेवकूफ लोगों के लिए ना सिर्फ धोखा है, लोग हमें दिल लगी का सामान समझते हैं और कुछ नहीं। बाबर I'm sorry, बाबर भाई आप बेशक चले जाओ यहां से, मैं ठीक हूं, मेरी फिक्र ना करना, मैं अब हकीकत की दुनिया में आ चुका हूं। संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। करे कमाली भाई, ठीक है ओके, जाओ तुम लोग जाओ। थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू परी। Oh!